तुमको पता है इस दुनिया में एक चीज है जिसका नाम है सोफा कम बेड। ये चीज उनको बहुत काम आती है जिनके घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। अब इनमें क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताइयो मत। ये जो हम गेम खेलते हैं ना क्वालिटी मोबाइल, तुमको पता है कहाँ पे बना है? ये किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं बना है, इसको इन लोगों ने फुटपाथ पे बैठ के बनाया है। लेकिन फिर भी हम शुक्र गुजार है कि इन लोगों ने फुटपाथ पे बैठ के भी इतना बढ़िया गेम बनाया, वो भी गार्डन का वाईफाई यूज करके और बाजू वाले पान के गल्ले से अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को चार्ज किया। हमें ऐसे गेम बनाने वालों को सलूट मानना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई। हुआ क्या? ये लोग फुटपाथ पे थे और फुटपाथ पे ही रहे, झोपड़ा तक नहीं बना इन लोगों ने। तो अब इनके साथ क्या अनहोनी हो गई वो मैं तुमको एक एग्जांपल के वीडियो के साथ बताता हूँ। ये बेचारे बच्चे पार्क में अपना गेम खेल रहे, लेकिन फिर सूरज बच्चों के सर में पाइप घुसा डालता है और बच्चों का सारा दिमाग खाने लगता है। अब एक बार देखो इसको, ये बच्चों पर रहम नहीं कर रहा है। तो इसी पार्क के फुटपाथ पे बैठे हैं हमारे प्यारे सीओडीएम बनाने वाले, तो उनका भी दिमाग इसने खा लिया सूरज ने, वो खोखले हो चुके हैं। तो उनके दिमाग की तरह उनका आइडिया भी खोखले हो चुके हैं। जैसे इस नई वाली गन को ले लो, उससे पहले कोई भी गेम ले लो जिसके अंदर गन होती है। अब तुमको वो गन के अंदर तुमको मिलता है मैक का ऑप्शन। ये तुमको काम आता है, या तो तुम अपनी गन की गोलियां बढ़ा सकते हो या तो तुम अपनी गन की रिलोडिंग स्पीड फास्ट कर सकते हो। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी यही चीज है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि काम करते हैं, जो भी मैक लगाएगा उसकी गोलियां बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। कौन सी दुनिया में ऐसे गेम है जहां गन के अंदर मैक लगाने के बाद गोलियां बढ़ती नहीं है बल्कि और ज्यादा कम होती है? यह फुटपाथ वालों की दुनिया ही अलग है। यहीं पे रुकते नहीं है बल्कि 30,000 का ड्रो निकालते हैं, मैथिक ड्रो, उसकी गोलियों की जगह चांद के टुकड़े डाले या आईफोन का कैमरा लगाया है। कुछ फर्क है? आओ साथ में देखते क्या फर्क है। तो ये है हमारा नया लकी ड्रो जिसका नाम है अंधेरे में गुमनाम। अबे कहां जा रहा है भाई, पढ़ने तो दे। अंधेरे में गुमनाम मैथिक ड्रो। तो आओ देखते इसके अंदर क्या है। तालियां मारो, कितना ज्यादा अंधेरा यहाँ पे। तो जीने के चार दिन वही बाइक वाले आ रहे अपना पेट्रोल बिगाड़ दो इसके पास, जिसके पास 35,000 की गन है इसके पास। तो तुमको पता है क्या होगा, ये बंदा इस गन के साथ हवा में गोलियां चलाएगा लेकिन वो बंदूक को लगेगी। साला एम तक नहीं कर रहा है लेकिन चलती बाइक के बंदे गिर रहे इससे और जमीन में से कौवे निकल रहे, बोलो। और ये चार बाइक वाले गांजा फूक के आए थे, गन वन है नहीं लेकिन उसको माने जाए जिसके पास 30,000 की गन है। अबे स्टाइल बाद में मारो, मरा नहीं है, एलएमजी है। एलएमजी के एक हेडशॉट से बंदा नहीं मरता है। तो जैसे कि ड्रो का नाम है अंधेरे में गुमनाम, तो तुमको लैंप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लाइट तुम्हें चाहिए होगी तो ये लैंप है, उसके बाद तुमको मिलेगी गन। ओ माय गॉड, जिस गन को कोई यूज नहीं करता उसकी स्किन निकालने इन लोगों ने। तालियां मारो इनके लिए यार। और ये लेजेंडरी के अंदर क्यों है? सुपरमैन की आंखें अंदर, जो टिपमैन के अंदर से लंबी लेजर निकलेगी, उसके बाद हमको मिलता है एक बहुत ही बढ़िया इमोट जिसके अंदर ये गोलियां चलाता है। तो नहीं, बंदों पे नहीं, हवा में चलाता है। लुक चिंगम सर को बुलाता हूँ मैं, दो चार टेम्पो साथ में भर के नारियल फेंकेंगे इसके सर के ऊपर, तभी इसको अकल आएगी। उसके बाद नया वाला कैरेक्टर जिसकी तुमको आंखें ही नहीं दिखती है, मुंह दिखता ही नहीं इसका। पीछे गन अच्छी है वैसे, लेकिन मुंह नहीं दिखता उसका। क्या क्या पता है, भूतो या फिर किसको पता, ये डैमेज पीस हो। ये कॉल ऑफ ड्यूटी वाले हमको जो तो माल पकड़ा रहे ऐसा नहीं चलेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। उसके बाद हमको मिलता है अंधेरी नगरी का कार्ड, जिधर हम लोग ये पैराशूट लेके उतर सकते। अबे पैराशूट, गो से देखो इस पैराशूट को, इसके ऊपर हुआ है काला जादू, इसके ऊपर मंत्रों का इजाब किया गया, हमको इसको नहीं देखना चाहिए, हम इसको देखते हैं। तो अच्छा है, प्याज काटेंगे इससे। और फाइनली हमको मिलती है हमारी कागड़े वाली गन। तो कागड़े चले गए और कागड़ों ने हक दिया और गन निकल गई। नहीं तो इसके अंदर यूज किया गया है कागड़ों का स्पेशल मटेरियल, मतलब जो निकालते हैं, मेरे को पता है चामा चिड़िया है लेकिन कागड़े बोलने में अच्छा लगता है। तो बेसिकली पहले इसमें से थोड़ा बहुत ही धुआं निकलेगा और जैसे तुम किल करते जाओगे तो इसके अंदर धुआं बढ़ता जाएगा और फिर कागड़ों की आत्मा निकलेगी अंदर से। मतलब तुम 30,000 रुपए दोगे कागड़े की आत्मा को मुक्ति देने के लिए? ये पुण्य वाले काम तुम लोग खुद ही करो, को देखते दो इसके अंदर क्या मिलता है। 8वें नंबर पे तुम्हारी गन गन नहीं बल्कि स्नाइपर बन जाएगी। उसके बाद ये बंदा फोटो खिंचाना था जिसको हमने मार दिया। उसके बाद दूध फट गया वाला इफेक्ट, या चाय उबल गई, पतीली में कम था, अब गन के अंदर उबलेगी। 5वें नंबर पे तुमको चांद मिलेगा जो तुमको दिखेगा भी नहीं, ये कागड़ों की आत्मा का उजाला कम कर हुआ चांद दिख नहीं रहा है। 4थे नंबर पे ये हमको देंगे फटे पुराने कपड़े। ये क्या है, ये चिंदिया क्यों लटकाई है, मेरे को कोई समझा दो भाई। इसके दू में पैसे तुमको, इसके दू सालो अपनी गन ठीक करो पहले। फिर एक और बंदा फोटो खिंचाना था जिसको हमने मार दिया, फिर तुमको मिलता है एक और दूध फटने वाला इफेक्ट। और पहले नंबर पे तुमको मिलेगा गन के ऊपर चिकन वाला स्टिकर। मुझे पता है मुझे 1, 2, 3 करना चाहिए था लेकिन ये लोग उल्टे आदमी है तो इनके साथ उल्टा ही करना पड़ता है। 8 से चालू किया मैंने इसीलिए। और तुमको तुम्हारे नाम वाली फ्रेम भी मिलेगी, जब भी तुम मैच में कुछ ढंग का करोगे तो तुम्हारे नाम के साथ कौवा आएंगे। तो ये
बात हो गई पैसे बिगाड़ने वाली चीज की, मतलब 30,000 की गन और ये मुफ्त की गन, दोनों में से गोलियां सेम ही निकलेगी। तो जब मैंने मजदूर की तरह पत्थर तोड़ के इसका अनलॉक किया तो अब थोड़ा वीडियो में आते हैं। जैसे मैंने इसके साथ अपनी पहली गेम खेली तो मुझे पता लग गया था ये वाली जो गन है डिसेंट है। मतलब देखो ये गन एक तरीके से अच्छी भी है लेकिन एक तरीके से बुरी भी है। बुरी इसलिए, मान लो भाई अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा QX या PPB जोन, अगर तुम्हारे सामने वो ये वाली गन चला रहा, तुम इस वाली गन से उसको बहुत ही हार्डली मार पाओगे क्योंकि वो गन बहुत बढ़िया गन है और ये वाली गन उनके सामने कुछ भी नहीं है। सिंपल अगर तुमको बोलूं एक लाइन में, तो तुम इस वाली गन से मेटा प्लेयर को नहीं मार सकते हो। नहीं ऐसा भी नहीं है, वही बोल रहा हूं कि इतना भी हार्ड नहीं है, मार सकते हो। लेकिन मान लो अगर तुम इस वाली गन को यूज करके एक मैच के अंदर जितने भी किल निकालते हो, मैं तुमको गारंटी देता हूं कि अगर तुम लोग QX या PP9 चलाओगे तो तुम इससे ज्यादा किल निकालोगे। एंड ये खुद मैंने प्रूफ करके बताया है। स्टैंड अप की मैच के अंदर मैं बहुत ही बेकार खेला था इस गन को लेके, मतलब बेसिकली बंदे मार के जा रहे थे। उसके बाद जैसे मैंने अपने QX निकाली, मैंने उनको अपने पास भी नहीं आने दिया, मतलब बहुत ही फास्ट किल करा था मैं QX से। अब रैंक के अंदर सारे लोग भाई बस यही गन को स्पैम करते रहते हैं। अब ये दो गन बहुत बढ़िया है, इन दो गन के अगेंस्ट अगर तुम लोग एक LMG लेके जाओगे जिसको तुम लोग मैग लगा के SMG बना सकते हो, उस वाली गन से भी रश कर सकते हो। लेकिन तुमको भी पता है बैट वाली जो गादी की फीलिंग होती है वो सोफे पे नहीं आती है। बेसिकली जब मैं यहाँ पे था हक्का नूडल्स के साथ खेल रहा था तब मैं इनको नहीं मार पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हटाया QX को लिया मैं इनको इजीली मारने लग गया। तो समय क्या पता चलता दया, दरवाजे के हैंडल भी होते हैं, कभी चेक कर लिया करो वहाँ पे खुला या बंद है। हर बात तोड़ के लात नहीं माननी होती है, और वैसे भी तुम लोग इंडिया के अंदर हो। अब मुझे नहीं पता किसी को भाई नॉर्मली खेलना ही नहीं है, मतलब रैंक के अंदर सबको मेटा यूज करना है। रैंक के अंदर क्यों टहट करते हो, मजे के लिए खेलो, लेकिन तुमको भी पता है कोई सुधरने वाला नहीं है। सब लोग मेटा चलाते थे, चलाएंगे और चलाते ही जाएंगे। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। नई वाली गन हक्का नूडल्स लेजेंडरी रैंक के अंदर ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, इसकी तिखास भी कम थी और ढंग से पकाई भी नहीं गई थी, तो इसको हमारे मेन्यू में से चोकड़ी मार दी जाए। हम इसको आइंदा कभी नहीं खाने वाले। और अगर अभी तक हक्का नूडल्स तुम्हारी थाली में नहीं आया है, मतलब तुमने अभी तक मौजूद ही नहीं, ये तो मत करना। यह देखो गन खराब बिल्कुल नहीं है, गन बहुत ही बढ़िया है। कैसे यूज करना तुमको आगे वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 100 बात की एक बात बोल देता हूं, तुम जितने के लिए इस गन से निकालोगे तुम उससे ज्यादा किसी मेटा गन को यूज करके निकाल सकते हो। बस तुमको सलाह देनी थी वो मैंने दे दी। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद कलोरिटी ने वापस एक नई गन को ऐड कर दिया है। गन का नाम है होलगर 26 होले होले गाना का होले होले वाला। अब होलगर की एक बहुत ही बढ़िया खासियत है, बेसिकली एक LMG होती है लेकिन तुम इसको एक AR बना सकते हो। अगर तुमको बनानी है तो तुमको सिंपली एमिनेशन के अंदर 2 मैग दिखेंगे, इससे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे LMG की जो स्लोनेस होगी वो हट जाएगी। लेकिन मेरे को सच्ची लगता है कि तुमको मैग के अंदर एमो कम मिलता है। मान लो तुमने एक बंदे के साथ फाइट ली, वहां पे तुमने थोड़ी बहुत गोलियां चोक कर दी, मिस कर दी, तो अब तुम दूसरे बंदे के साथ फाइट नहीं ले सकते। अगर तुम लोगे तो तुम्हारी एमो फाइट के बीच में खत्म हो जाएगी और तुम उसके बंदे के मुंह पर लोड मारोगे तो मर जाओगे इजीली। तो बस मुझे लगा कि 50 एमओ होनी चाहिए गन के अंदर, तभी गन ढंग की चलेगी। मतलब एक बंदे को मार के तुरंत रिलोड मारो, मतलब एक तरीके से इस गन का डिसएडवांटेज मान लो। और मैं तुमको एक बार बताना भूल गया, गेम ढंग से नहीं चल रही थी तो मैंने इसको अनइंस्टॉल मार के वापस डाउनलोड करी, तो मैंने इसका इशू रिस्पेक्ट डाउनलोड नहीं किया, जिससे तुमको सामने जो भी बंदा आ रहा है वो बॉट जैसे दिख रहे होंगे लेकिन वो बॉट नहीं है, वो असली बंदे है। ये रैंक का गेम प्ले, वो भी लेजेंडरी रैंक का, तो सामने जो भी है वो बंदे ही है, बॉट नहीं है। अब जब मैंने इस गन को स्टार्टिंग में यूज किया तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसको LMG की तरह यूज किया तो AI की तरह यूज करूं, तो मैंने सब ट्राई किया, मतलब बहुत सारे गन स्मिथ को ट्राई किया, लेकिन फिर भी जो एक बेस्ट गन वाली फीलिंग आती है वो बिल्कुल नहीं आ रही थी मेरे को इससे। तो फिर सीधा मैं यूट्यूब पे गया गन स्मिथ देखने, वहां पे मेरे को पहले नंबर पे एक वीडियो मिलता है जिसका नाम अब ये वीडियो गन एक बहुत ही बढ़िया बात बता देता है मेरे को, हमको इस गन के अंदर यूज करना चाहिए RTC लाइट मसल ब्रेक। बेसिकली इससे तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल होता है कंट्रोल में आ जाएगा, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया था क्योंकि इसके बाद गन बहुत ही बढ़िया चलने लग गई थी। तुम किसी भी गन के वर्टिकल रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जो पीस कीपर उसका भी यही हाल है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिकॉइल इतना ज्यादा कि बंदे उसको ज्यादा यूज करते ही नहीं है। अब ये वाला वीडियो देखने से पहले मेरा एक गन स्पीड ऐसा था, फिर मैंने LMG वाला भी ट्राई किया और फिर एक अग्रेसिव गन स्पीड भी था, लेकिन अभी मेरा गन स्पीड ये है। अब आते हैं बहुत ज्यादा सीक्रेट ट्रिक पे, जब भी तुम लोग इस वाली गन के साथ फाइट लो भाई क्राउच कर दो। मतलब जब भी मैंने मिड और लॉन्ग वाली फाइट के अंदर क्राउच किया है तब मेरी गोलियां बंदे के सीधे हेड पे जाके लग रही थी। क्राउच करने के बाद होलगर बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और मैं इन अटैचमेंट के बाद भी यूज कर रहा हूँ टफनेस पक, ग्रीन पक के अंदर आता है जिससे तुम्हारी हिट फ्लिच थोड़ी कम हो जाए। बाकी तुम इस गन को एक ट्राई दे सकती हो, और मेरे हिसाब से मैंने तुमको अटैचमेंट था वही यूज करना, वही सबसे बेस्ट है अभी के लिए। बाकी फ्यूचर में अगर इसका बफ मिलता है तो अलग हो जाएगी बात, लेकिन अभी के लिए मेरे पास यही है सब याद। बाकी 99% बोल सकते हो क्राउच करने के बाद ये गन बहुत ही बढ़िया चली मेरे से। तो अगर तुम भी इस गन को यूज करने वाले तो याद है मिड और लॉन्ग के अंदर क्राउच करना मत भूलना। गन का जो डैमेज है नॉर्मल सा है, और गन की
फायर भी नॉर्मल ही है, तो जहां तक इस गन को अच्छा बफ नहीं मिल जाता वहां तक ये गन के क्यूएक्स और पीपी जोन के सामने खड़े नहीं कोई चांस है ही नहीं। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग उनको मार ही नहीं पाओगे, थोड़ा बात को समझो, वो गन इस गन से ज्यादा बेहतर है। अब रैंक के अंदर सारे लोग अगर ये दो गन को यूज करना छोड़ दे तो बाकी गन को ट्राई करने का मौका भी मिले। अगर तुम डिसेंट गन से मेटा गन्स को मारने जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और मैंने इसको भी यूज किया और इसके बाद जान मुझ के क्यूएक्सआर को यूज किया और मेरे को साफ साफ पता लग गया मेटा गन्स के आगे डिसेंट गन कुछ भी नहीं है। एक काम करना, टूर्नामेंट के अंदर सब मेटा गन यूज करते वहां पे चले जाना ये वाली गन लेके, टेंशन मत लेना। मैच खत्म होने के बाद ही तुम्हारी टीम का कैप्टन तुम्हारे मुंह पे इस्तीफा फेंक के मारेगा और बोलेगा निकल मेरी टीम में से। अब देखो एक बात तुमको पहले ही बोल दूं, जब मैंने इसका एलएमजी वर्जन चलाया तब भी मैं अग्रेसिव टाइप ही खेल रहा था, मतलब हाँ क्लोज में मजा था उससे, थोड़ा बहुत स्लो फील हो रहा था लेकिन फिर भी एक एलएमजी की तरह जब मैंने इसको चलाया तब बहुत ही बढ़िया तरीके से चली मेरे को ऐसा लगा। मतलब 100 एमओ है, अच्छी मोबिलिटी भी है, रीलोड भी अच्छी फास्ट हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं एलएमजी प्लेयर नहीं हूं, मतलब पीछे कहीं खेलता हूं मैं भाई घुस के मारता हूं, तो फिर मैंने एलएमजी वाले पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हो सकता है एलएमजी वाला जो इसका वर्जन हो बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि इस वाली गन का लास्ट वाला अटैचमेंट अनलॉक होता है वो है रेंजर फोरग्रिप। मतलब भाई अगर तुम थोड़े पैसिव टाइप के प्लेयर, मतलब जो होल्डिंग करके खेलता है, तो एक बार इसको ट्राई मार लेना। क्योंकि देखो चोपर थोड़ा सा नर्फ हो चुका, मेरे को ऐसा लगा बहुत बंदे उसको यूज नहीं कर रहे। अभी मैं थोड़े बंदों को आरपीडी यूज करते हुए देखा हूं, और मैंने इस वाले मिशन को कंप्लीट करने के लिए U7 यूज की थी। अब मैं ज्यादा एलएमजी चलाता नहीं हूं, बट फिर भी हॉर्वे एक अच्छा स्टेबल गन है और इसका रिकॉइल भी बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल है, तो तुम इसको इजीली यूज कर सकते हो लॉन्ग के अंदर भी। साथ इसलिए मेरे को ये गन पसंद नहीं आई स्टार्टिंग में, क्योंकि यार मैं एलएमजी यूजर हुई नहीं, और ये गन एक एलएमजी गन है जिसको तुम लोग एआर बना सकते हो। लेकिन देखो ये बनी हुई क्या है, ये बनी हुई है एलएमजी, तो इसको तुम एलएमजी की तरह यूज करो तो बढ़िया रहेगा। तो देखेंगे इसको एलएमजी की तरह यूज करके भी अगर अच्छे तो ठीक है, वरना मेरे को उन पर तरस आ रहा जिन लोगों ने अपना 30,000 रुपए इस डॉग पर लगाए। मैंने कभी नहीं बोला गन बेकार है, बट अगर सामने वाला क्यूएक्सआर पीपी यूज कर रहा होगा तब उन बंदों की दिल की हड्डियां टूट जाएगी जिन लोगों ने 30,000 रुपए डाले थे। अगर मैंने बिगाड़ होता अपने पैसा तो मैं तो रो ही देता यार, मेरी आंखों में से सूखे आंसू निकलते। वैसे तुम लोग बताओ तुम लोगों की गन कैसी लगी, जिनको नहीं पता कमेंट नाम की चीज होती है वो तुमको करनी होती है वीडियो देखने के बाद, थोड़ा कमेंट करता तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा भी ढंग का कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करके जाना, और जिसने इसका एलएमजी वर्जन यूज किया वो भी बता देना कैसा लगा तुम लोगों को। अब अगर मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट एलएमजी वाला गन स्विच बना लूं तो भी मैं वो ढंग का नहीं चला पाऊंगा, सारे बंदों की अपने अपनी स्टाइल होती है। मैं तो भाई अग्रेसिव बंदा हूं तो भाई मैं तो घुस के मारता हूं, और एलएमजी मेरी टाइप की है ही नहीं बिल्कुल भी, बट फिर भी मैंने वीडियो के लिए इसको चलाई और मैंने यूज की। अब अगर तुम भी अग्रेसिव खेलते हो तो तुम लोग फन के लिए इस गन को खेल सकते हो। मैं सच्ची बताता हूं तुम खुद तंग आ जाओगे भाई, क्यूएक्सआर और पीपी वाला हर जगह पड़े हैं, और ऊपर से पीपी जोन एक एसएमजी है और उसके अंदर एमओ भाई एलएमजी जितनी तुमको मिलती है, तो ये सारी गन तो बेस्ट है ही है। बात करें अपनी होल गन की तो इस गन का अच्छा खासा बफ मिलना चाहिए अभी, वरना ये वाली गन उनके सामने कुछ भी नहीं है भाई। सामने पूरी टीम भाई क्यूएक्स और पीपी जोन चलाती है, कितने लोग तो पैसे लगा के आ जाते भाई फुल हार्ट करने। अगर तुम ऐसे टीम के सामने ये वाली गन को यूज करोगे तुम्हारा कचुम्मा बन जाएगा उनके बीच में, पर किसको पता तुम इस वाली गन का एलएमजी वर्जन यूज करके अपने स्पॉन में बैठ के उनको इजीली मार सकते हो। एक और बात, अगर तुम लोग एलएमजी वाला वर्जन यूज करने वाले हो तो भाई रेड डॉट लगा लेना, अपडेट के बाद रेड डॉट अब शेक नहीं होता, बिल्कुल स्टेबल रहता है। और जब रेड डॉट लगाने के बाद तुम्हारी गन शेक नहीं होती है तब तुमको अंदर से एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है, और अगर तुमको अच्छी फीलिंग आएगी मतलब तुम गेम के अंदर और अच्छा खेलोगे। तो अगर तुम लोग मिड और लॉन्ग की फाइट लेने वाले हो तो रेड डॉट लगा लेना। बाकी बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लाइक करो शेयर करो, मैं तुमको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।